आज से एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हमारे डिसीजन कंप्लीट हो गए थे, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया के भेद जो तीन आधार पर बांटे गए हैं, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो भेद होते हैं इसके कितने होते हैं? दो होते हैं, सहकर्मक और अकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं और काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। इस प्रकार हम संरचना के आधार पर और काल के आधार पर हम कल पढ़ेंगे, आज हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कि भी जिस भी वाक्य में जो भी कर्म, जिस क्रिया का फल कर्म को कर्ता को छोड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, या सहकर्मक। इसका वैसे तो अर्थ होता है सहकर्मक, यानी कि जिस क्रिया में कर्म दिया होता है कर्म सहित। सहकर्मक कर्म क्या होता है? कर्म सहित, यानी कि जिस क्रिया में कर्म दिया होता है वो सहकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्म सहित क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर है राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है भी? राम पुस्तक, तो इसमें कर्म दिया हुआ है। कर्म क्या है? पुस्तक। अगर ये होता पुस्तक नहीं होता, राम पढ़ता है, तो इसमें कर्म नहीं है कि राम पढ़ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहानी पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, कि पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक इसमें दी हुई है, तो ये क्या है? सहकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म सहित जो होती है वो सहकर्मक क्रिया कहलाती है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया ये होती है कि उसमें कर्म दिया हुआ नहीं होता, बल्कि क्रिया का जो फल है वो सीधा किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। लेकिन मैं इससे पहले आपको ये और बताती हूँ, जो सहकर्मक क्रिया, इसके दो भेद और होते हैं। जो सहकर्मक क्रिया होते हैं इसके दो भेद होते हैं। सहकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद। सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है एक कर्मक क्रिया, और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? एक कर्मक क्रिया ये होती है कि जिसमें एक ही कर्म दिया होता है, ठीक है, जिस शब्द में एक ही कर्म दिया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। और जिसमें दो कर्म दिए हुए हों वो क्या कहलाते हैं? द्विकर्मक क्रिया। आपको ऐसे तो इनके नाम से पता चल रहा है कि एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। एक कर्म क्रिया, एक कर्म क्रिया का हमने उदाहरण पढ़ लिया, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें एक ही कर्म है, ठीक है, एक ही कर्म है क्या? पुस्तक। इसमें अगर हम द्विकर्मक क्रिया का हम उदाहरण लेते हैं कि भाई अध्यापक बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे, इसमें दो कर्म है, क्या होगा? एक तो अध्यापक सिखा रहे, किसको सिखा रहे? बच्चों को सिखा रहे, और क्या सिखा रहे? कंप्यूटर। इसमें बच्चों और कंप्यूटर, इसमें कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए। अगर यहाँ पर होता है अध्यापक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो इसमें एक ही कर्म होता है, लेकिन इसमें दो कर्म है, तो ये क्या हो गई? द्विकर्म क्रिया। इसको मैं आपको नाम से वैसे बता रही हूँ, आपको याद रहे कि आपको अगर कभी पूछ भी ले तो आप उसमें अटके नहीं हो, आपको उसके बारे में जानकारी रहे। एक कर्म क्रिया में एक कर्म दिया हुआ होता है और द्विकर्म क्रिया में दो कर्म दिए हुए होते हैं। जैसे एक कर्म क्रिया में तो राम या सीता गिटार बजा रही है,
सीता गिटार बजा रही है। तो इसमें क्या है, एक कर्म है, सीता बजा रही है क्या गिटार, और इसमें भी ये तो क्या हो गया, एक कर्म क्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है, ये तो एक कर्म क्रिया का उदाहरण हो गया और ये द्विकर्म क्रिया का उदाहरण हो गया कि जिसमें दो कर्म दिए हुए होते हैं वो द्विकर्म क्रिया कहलाती है और जिसमें एक कर्म दिया होता है वो एक कर्म क्रिया कहलाती है। तो आपको अगर पूछ भी ले कि सहकर्म क्रिया के कितने भेद होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, सहकर्म क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला होता है एक कर्म क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार एक कर्म क्रिया में एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, और दूसरी हमारी जो क्रिया है कर्म के आधार पर वो कौन सी है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अकर्म जिसमें कर्म नहीं हो, सहकर्मक कर्म सही जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। तो अकर्मक क्रिया क्या कहलाती है, ऐसी क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, उसमें कर्म दिया हुआ नहीं होता, तो वो कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे जैसे आशा गाती है, राम दौड़ता है, अब इसमें देखो आशा गाती है, आशा